माई माई उठिए, माई क्या हुआ आपको, उठिए माई, माई उठिए। अब मैं इस निद्रामयी पुष्प से परशुराम को मूर्छित करके रुद्र फल चुरा कर भाग जाऊंगा। यह हमारी प्रकृति है वर्तराज, इसमें पहाड़, वृक्ष, चंद्र, सूर्य, नदी, समुद्र, समस्त जीव जंतु समाये हुए। किंतु इतना सब बनाया किसने है गुरुदेव? हमारे परम पिता परमेश्वर ने, जो हम सबका पालन करते हैं। परम पिता परमात्मा सबका पालन कैसे करते हैं गुरुदेव? वर्तराज, समुद्र का पेट भरने के लिए नदियां भेजी, नदियों के जन्म के लिए उसने मेघ बरसाए, मेघ को उत्पन्न करने के लिए उसने सूर्य की धूप भेजी, और सूर्य को ऊर्जा देने के लिए उसने स्वयं की देह का तेज भेजा, और इसी ऊर्जा से फल फूल और मनुष्य जीवित रह के विचरण करते हैं। किंतु इन रचनाओं के भीतर कैसा अनुभव होता होगा गुरुदेव? ये कोई साधारण मनुष्य तभी ज्ञात कर सकता है जब उसे ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त हो। वो कैसे गुरुदेव? इस फूल को देख रहे हो? हाँ गुरुदेव। अब मेरा हाथ पकड़ो। ये क्या, हम तो अभी लघु हो गए गुरुदेव। हाँ, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था। आइए, पुष्प के चार भाग होते हैं वर्तराज, भाय दलपुंज, दलपुंज, जायांग और चौथा पुमंग। पुमंग पुष्प का नरंग होता है ये, और यहां पुमंग के बीच में पराग कोश होता है, और इसी पराग कोश में पराग कण भी बनते हैं, इसी में नर जनन अंग होते हैं, और इसी के कारण निषेचन की क्रिया होती है, जिस निषेचन की क्रिया से फल और बीज का निर्माण होता है। वाह, कितना सुंदर है पुष्प के भीतर का संसार। तो चलो अब हम बाहर चलते हैं, मेरा हाथ पकड़ो। जी गुरुदेव। चलो। आपके साथ शिक्षा ग्रहण करने में अति आनंद आता है गुरुदेव। अब तो तुम्हें प्रतिदिन आनंद ही आनंद आने वाला है। अब चलो, बाकी का ज्ञान मार्ग में चलते चलते ले लेंगे। जी गुरुदेव। हम वार्तालाप करते करते कुटिया से बहुत दूर आ गए। ये देखकर अति प्रसन्नता हो रही है कि अब वर्तराज मन लगा के विद्या ग्रहण कर रहा है। यदि इसी प्रकार वो शिक्षा ग्रहण करते रहा तो उसके जीवन में मूर्खता का भी शाप मिट जाएगा, और इससे मेरा वचन भी पूर्ण हो जाएगा। ये परशुराम तो पुनः उस मूर्ख वरदराज को ज्ञान देने लगा जिसे वो आनंद लेते लेते ग्रहण कर रहा है। अवश्य ही मेरे मायावी फलों का प्रभाव समाप्त हो चुका है। यदि वो मूर्ख ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बन गया तो इस कार्य के लिए परशुराम को विद्या लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होते देर नहीं लगेगी। इसलिए अब पुनः वरदराज की बुद्धि भ्रष्ट करनी होगी।
वरदराज, ये वरदराज कहां चला गया? कौन है वृक्ष की ओट में जिसके साथ वरदराज फल खाते खाते बातें कर रहा है? कहीं वह लक्ष्मी तो नहीं जो मायावी फल खिलाकर वरदराज की बुद्धि भ्रष्ट करने में लगी है ताकि वो मुझे पराजित कर सके? वरदराज, ये फल मुझे दो। मेरा अनुमान सटीक था, वृक्ष की ओट में वह लक्ष्मी ही थी जो वरदराज की विद्या के मार्ग में विघ्न डालने आई थी, किंतु मैं उसे कदापि सफल नहीं होने दूंगा। चल, बड़ा मुझे दोस्त, तुम मुझे यूं बलपूर्वक कहां ले जा रहे हो? हम लौह अयस्क पर्वत जा रहे हैं ऋषिवर। परंतु क्यों? धैर्य रखिए ऋषिवर, इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? कुछ ही क्षण में उस पर्वत के समीप पहुंचकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि मैं आपको उस कार्य हेतु ले जा रहा हूं जिसे केवल आप ही कर सकते हैं। चलिए। आप अपनी सिद्धि की अग्नि से इस पर्वत को पिघला दीजिए ऋषिवर। मूर्ख, यदि मैंने इस पर्वत को अपनी सिद्धि की अग्नि से पिघला दिया तो इस धरती का संपूर्ण क्षेत्र इसके लावे से निपटकर पिघल जाएगा और इसके प्रभावित क्षेत्र के निवासी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबके सब इस अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएंगे, बस पहुंच जाएंगे। इसीलिए तुम्हारा मैं यह अनर्थ कदापि नहीं करूंगा। यदि आपने ये कार्य नहीं किया ऋषिवर, तो मेरे हाथों आपका वो किशोर पुत्र भी भस्म हो जाएगा जो कदाचित उत्तर दिशा में किसी गुरुकुल में अध्ययन ले रहा है। क्या हुआ ऋषिवर, मैंने सत्य कहा ना? क्योंकि मायावी सबकी सूचना रखता है। अब बताइए, आप मेरा कार्य करेंगे अथवा किसी दूसरे असुर को सूचना देकर आपके सुपुत्र को यमलोक भिजवा दो? उचित, मैं तुम्हारा ये कार्य करूंगा। अति उत्तम। अब कुछ ही क्षण में यह पर्वत पिघलना आरंभ हो जाएगा और मुझे लौ प्राप्त होना भी। ऋषिवर, अब आप प्रस्थान कर सकते हैं। ऋषिवर ने तो अपना कार्य समाप्त कर दिया। मूर्तिकार, अब तुम्हारा कार्य आरंभ होगा। केवल एक बार ये पर्वत लौ बनकर पिघलना आरंभ हो जाए, फिर तुम पारस मणि से स्पर्श करके इसे स्वर्ण बना देना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मेरे पर्वत के अयस्क को पिघलाने का राय मायावी को दी। मुझे लगा कि यह दुष्ट इस असंभव कार्य को कभी नहीं कर पाएगा, किंतु इसने तो एक सिद्ध ऋषि के द्वारा
इस कार्य को संपन्न भी करवा लिया। अब बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है। हे प्रभु परशुराम, आप कहाँ हैं? पूर्ण फल खाने से पूर्व ही परशुराम ने आकर इसके हाथ से मेरा मायावी फल छीन लिया था। तभी मायावी फल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ये एकाग्रता के साथ ध्यान लगाने में सफल हो गया। किंतु अब मैं इसका ध्यान भंग करके इसकी एकाग्रता समाप्त कर दूंगी। परशुराम ने विद्या लक्ष्मी की मूर्ति को वरदराज के समीप रखकर मेरे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे मेरे पैर जकड़ गए। किंतु मैं आगे बढ़कर अवश्य इसका ध्यान भंग करूंगी। कोई विद्या लक्ष्मी मुझे रोक नहीं सकती। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, विद्या लक्ष्मी की खींची रेखा पार करके वरदराज के पास नहीं पहुंच सकती। और उचित यही होगा कि तुम यहां से लौट जाओ और पुनः आकर विघ्न डालने का प्रयास भी मत करना, अन्यथा विद्या लक्ष्मी के कोप से बच नहीं पाओगे। तुमने चतुराई से विद्या लक्ष्मी को वरदराज के समीप स्थापित कर दिया, किंतु ज्ञात है ना तुम्हें कि तुम्हारा आठवां बाण अब भी मेरे पास है, किंतु तुम मुझे उससे कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो समय ही बताएगा देवी कि वो बाण मैं प्राप्त कर पाऊंगा अन्यथा नहीं। किंतु आपके लिए उचित यही होगा कि आप यहां से लौट जाएं। माता विद्या लक्ष्मी की कृपा से वरदराज की एकाग्रता गहन हो चली है, अतः अब ज्ञान के मार्ग पर द्रुत गति से गतिमान हो चला है। ये नीला आकाश अचानक अग्नि के समान लाल क्यों होता जा रहा है? अवश्य ब्रह्मांड में कहीं किसी विशाल तारों में भीषण विस्फोट हुआ है, अथवा धरती के किसी विशाल पर्वत पर भीषण आग लगी है। मुझे ज्ञात करना होगा। इस निद्रा में पुष्प का प्रयोग मैं तब करूंगा जब परशुराम गहरी निद्रा में लीन होगा, लेकिन तब तक इस पुष्प को संभाल के रखना होगा। ज्ञात नहीं कि मेरी पत्नी मनोरथा की क्या दशा होगी, न जाने इस दुष्ट से कब पीछा छूटेगा।
अकस्मात ये भीषण गर्मी क्यों होने लगी? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य पृथ्वी के बहुत नजदीक आ गया। प्रभु, मेरे बंधन खुल गए। किसने मुक्त किया मेरे आखेट को? जिसका वध मेरे हाथों से लिखा है वो कोई और नहीं, अपने प्रभु का तुच्छ भक्त हो। ये तो परशुराम का वही वामन शिष्य है जिसने बहनोश्री के चंगुल से सुग्रीव को मुक्त करवाकर स्वयं को बड़ा योद्धा समझ रहा था। वामन, अब तुम्हारे साथ आज परशुराम नहीं है, अब तुम देखो मायावी तुम्हारी क्या दशा करता है। पहचाना मुझे? हाँ पहचाना, तुम मेरे वही बहनोई हो ना जिन्होंने मुझसे अपार धन उधार ले रखा है। लाओ मुझे मेरा धन वापस करो। अच्छा, आज परशुराम तुम्हारे साथ नहीं है तो मेरे भय से तुम्हारी स्मरण शक्ति भी चली गई? मेरी स्मरण शक्ति तो यथावत है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी भीषण व्याधि से ग्रस्त हो। ओ, भीषण व्याधि? हाँ, भ्रम वाली व्याधि। अवश्य ही तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। भ्रम नहीं, मुझे सब स्मरण है। ये परशुराम और उस काले कौवे के साथ मिलकर तुमने हमारे साथ किया था, किंतु अब सबका प्रतिशोध लेगा ये मायावी। देखिए, मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। अब समझूंगा नहीं, तुम्हें समझाऊंगा। आज तुम्हें ज्ञात होगा कि मायावी की शक्ति क्या है। अब तो मेरी ये तलवार तुम्हारे उधर में घुसकर ही रहेगी। मैं कह रहा हूँ ठहर जाओ मूर्ख, अन्यथा तुम्हें भी पछताना पड़ सकता है। पछताना तो तुझे पड़ेगा, तुम मुझसे बचेगा नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ ठहरिए, मैं कह रहा हूँ रुकिए, अरे रुकिए। ये डिबिया कैसे खुलती? मेरे पास वैसे भी बहुत कम समय है, मुझे जल्द ही मनोरथा को मुक्त करवाना होगा। ठहर जा मूर्ख, ऐसा प्रतीत होता है कि अब तुझे प्रसाद देना ही पड़ेगा। कौन है तू दुष्ट? अब नहीं बचेगा। दुष्ट कौन है तू जिसने मेरी तलवार के साथ मेरा हाथ भी तोड़ डाला? यदि तुम पहले ही सुन लेते दुष्ट, तो तुम्हें ये कष्ट नहीं उठाने पड़ते। देखो मैं कौन हूं। लघु मुखा के रूप में राहुल जी आप?
हाँ, मैं रूप बदल के परशुराम का वो रुद्राक्ष फल चुराने आया हूँ जिसमें अहिरावण बंद है, और ये कार्य मुझे स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य ने सौंपा है, जिससे उस अहिरावण को मुक्त करा सकूं। अर्थात अहिरावण मुक्त हो गए तो वाटिका में अपनी गज मूर्ति नहीं पाकर मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे बिना विलंब अब मूर्तिकार से शीघ्र कार्य करवाना होगा।